ये स्टोन कैसे ठीक होगी? किडनी भी फेल हो जाती है, स्टोन बनना प्रॉब्लम नहीं है, स्टोन का जो ऑपरेशन कराना है वो गलत है। स्टोन का ऑपरेशन कराने से हमारी किडनी फेल हो रही है। बीमारी का नाम बता दो और उसका एक इलाज बता दो विदेशी चिकित्सा पद्धति में, कोई एक बीमारी का एक भी इलाज? सर इलाज कोई नहीं है, बस उसको मैनेज करने के तरीके। और मैनेज के साइड इफेक्ट कौन भुगतता है? जबरदस्त। दोस्तों किडनी में स्टोन, ये देखिए किडनी में स्टोन आम बात होगी है। सर एक चीज बताइए, किडनी में स्टोन बहुत आम बात होगी है। डॉक्टर ने उसको लटाया, बोले स्टोन है, बड़ी इमरजेंसी है, उसकी स्टोन ऐसी निकाली, स्टोन निकलने के बाद कहता है मुझे बड़ी तंगी होगी, ये स्टोन कैसे ठीक होगी? किडनी भी फेल हो जाती है। तो मैं चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता है जो AFI आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब आप ही बता दो किडनी में स्टोन बनते क्यों है? देखिए सबसे पहले तो ये स्टोन के नाम पे आज के डेट में बहुत सारे सेंटर्स बन गए हैं, स्टोन क्लिनिक्स, स्टोन हॉस्पिटल्स। तो ये क्या है कि एक बिजनेस भी बनता जा रहा है। स्टोन होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टोन के कई कारण भी हैं, जैसे कि कम पानी पीना एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो हैं दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है किडनी में जो है वो प्रॉपर उसका जो है सप्लाई नहीं हो पाती वाटर की, तो उससे जो है वहाँ पे ड्राई होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसे खान पान की चीज़ें हैं जो तली भुनी चीज़ें हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, इससे भी शरीर में रूखापन बढ़ता है। तो कुल मिला के कहने स्टोन बनने का मुख्य कारण जो होता है वो ये होता है कि शरीर में ड्राइनेस ना बढ़े, ड्राइनेस बढ़ेगी तो स्टोन बनना बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। और स्टोन बनने की वजह से आज सबसे बड़ी जो भारत में प्रॉब्लम है, स्टोन बनना प्रॉब्लम नहीं है, स्टोन का जो ऑपरेशन कराना है वो गलत है। स्टोन का ऑपरेशन कराने से हमारी किडनी फेल हो रही है। आज भारत में किडनी फेल की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारे हॉस्पिटल्स किडनी के लिए मशहूर है, आपको मालूम ही है। बिल्कुल सर। किडनी के काढ़े वाले दिन लाइनें लगती हैं, आपने देखी हैं। अब हमने किडनी स्टोन का काढ़ा भी निशुल्क कर दिया। किडनी स्टोन का काढ़ा मतलब किडनी स्टोन निकल जाए। ये मैं आपको जड़ी बूटियां दिखा दूं, पहले गोखरू, मकोए, नीम छाल, पीपल छाल, पुनर्नवा, कासनी, नौसादर, कलमी शोरा और जोखार, ये वो विशेष जड़ी बूटियाँ हैं जिनका ये काढ़ा अभी साहिल जी अपने हाथों से खुद हिला रहे हैं। इस काढ़े को ये देखो, इसमें जड़ी बूटियां नजर आएंगी, आप चाहे काढ़े में दिखा दो, ये सारी जड़ी बूटियां इस काढ़े में डली हुई हैं, एक बार दिखा दो आप। ये देखिए सर, और मैं एक चीज बताऊं सर, काढ़ों से जितनी जल्दी आराम मिलता है मेडिसिन से भी नहीं मिलता। ये मुफ्त काढ़े का लंगर है हर शुक्रवार को किडनी स्टोन शुद्धि क्लिनिक में। हमारे पूरे भारत में 120 क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स हैं। इस 120 क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में ये काढ़ा निःशुल्क पिलाया जाता है हर शुक्रवार को, हर शुक्रवार। और सर एक चीज और बता दीजिए कि सिर्फ शुक्रवार को तो आप कह रहे थे काढ़ा, बाकी भी तो काढ़े हैं। शुक्रवार को किडनी स्टोन रिमूवल काढ़ा फ्री मिलता है, शनिवार को किडनी शुद्धि काढ़ा, मतलब किडनी के रोगी हैं जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिया है, डायलिसिस चल रहा है उन सबके लिए, और सोमवार को लीवर शुद्धि काढ़ा और बुधवार को हार्ट शुद्धि काढ़ा। सर जैसे हम पंचकर्मा की बात करें तो स्टोन को लेके भी कोई पंचकर्मा में होता होगा ट्रीटमेंट? स्टोन के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, ये तीन ही सिद्ध पद्धतियां जिसमें दवाइयां हैं। स्टोन के लिए किडनी में उदरवस्थी करा जाता है, उदरवस्थी किडनी में भी काम करता है। ये उदरवस्थी की फोटो दिखा दो, ये वाली। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा, अपने खाने में कच्चा खाना बढ़ा दो, पका हुआ भोजन कम कर दो, तो किडनी स्टोन जल्दी से नहीं बनता। ये कच्चा भोजन और हमारे फ्रूट्स, ये बढ़ाने से हमें किडनी स्वस्थ रहती है। और ये काढ़े हमने फ्री इसलिए शुरू करे कि जिस दिन ये काढ़े पीने व्यक्ति आएगा उस दिन उसको फ्री ट्रेनिंग, फ्री नॉलेज। किस चीज की ट्रेनिंग सर दी जाएगी? डाइट की, डाइट की, लाइफस्टाइल की, और कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये सारे काढ़े बिल्कुल फ्री है, सोमवार को लीवर, बुधवार को हार्ट, शुक्रवार को किडनी स्टोन, शनिवार को किडनी। और ये हम AFI के साथ मिलके पूरे भारत के हर आयुर्वेद के डॉक्टर को बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग सब मिलकर आयुर्वेद को भारत में घर घर तक पहुँचाओ। आयुर्वेद ही है जो इस देश का को विश्व गुरु बनाने में मदद कर। जो आपने एक शब्द भी दिया है भारतीय चिकित्सा प्रणाली, इसको कि हम विदेशी चिकित्सा प्रणाली को छोड़ के भारतीय चिकित्सा प्रणाली अपनाएं। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ लेता हूँ, मुझे एक बीमारी का नाम बता दो और उसका एक इलाज बता दो विदेशी चिकित्सा पद्धति में, कोई एक बीमारी का एक भी इलाज? सर इलाज कोई नहीं है, बस उसको मैनेज करने के तरीके। और मैनेज का साइड इफेक्ट कौन भुगतता है? जबरदस्त साइड। आज BP की गोली खा रहे हैं भारत में लगभग 10 करोड़ लोग, शुगर की गोली खा रहे हैं लगभग भारत में 10 करोड़ लोग, और ये सबकी किडनी खराब हो सकती है गोली की वजह से। एक भारत में बुखार उतारने का बड़ा प्रॉब्लम है, बुखार को उतारते हैं उससे भी किडनी फेल हो रही है, पेन किलर्स खा रहे हैं उससे भी किडनी फेल हो रही है, जो सुबह सुबह एसिड के लिए गुलाबी गुलाबी शरबत या गुलाबी गुलाबी गोलियां खाते हैं उससे भी किडनी फेल हो रही है। तो किडनी फेल होने के बहुत सारे कारण हैं,
लेकिन किडनी को बचाने का एक ही तरीका है आयुर्वेद नेचुरोपैथी। तो ये काढ़ा निःशुल्क पीने के लिए, ये जड़ी बूटियाँ मैंने आपको दिखा दी, ये जड़ी बूटियाँ पीस के भी रखी हुई हैं, ये सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ पीस के रखी हुई हैं, इन जड़ी बूटियों का काढ़ा आपको पिलाया जाता है। और आज भारत में किडनी को स्वस्थ करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है, तो आओ सब मिलकर किडनी को स्वस्थ करें। और इस काढ़े को निःशुल्क पीने के लिए हर शुक्रवार को शनिवार को किडनी का काढ़ा निःशुल्क हमारी क्लिनिक में मिलता है। इसको पीने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, डाइट सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं।